इट्स रोशनी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निक्स माय लाइफ। चलिए बात करते हैं आपके साथ हमारे चैनल पर उस स्पेशल प्रोग्राम को लेकर, जिस प्रोग्राम में हम अक्सर चर्चा करते हैं उस ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर जिसके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा या तो कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है या फिर सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी कई तरह की खबरें वायरल हो रही है। वेल, स्वागत है आप सबका हमारे स्पेशल प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में। शाइनिंग स्टार में आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से ऐश्वर्या रॉय के साथ साथ बच्चन परिवार को लेकर, क्योंकि इस वक्त फाइनली बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के बीच का जो अनबन है, जो तकरार है, वो बढ़ चुकी है और इसी तकरार के साथ अब चर्चा शुरू हो चुकी है बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या की तकरार और टूटते हुए रिश्ते को लेकर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब तलाक की नौबत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बीच कि यहाँ पर ऐश्वर्या वाकई तलाक ले लेगी अभिषेक बच्चन से और इसके बाद फाइनली शुरू होगा एक नया खेल। ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक का काला सच सामने आ चुका है और इसी के साथ अब हो सकता है बड़ा केस। आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर क्यों पहुंचेगा कोर्ट में ऐश्वर्या अभिषेक से जुड़ा केस, तो देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या रॉय बच्चन को लेकर इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, बताते चले आप सबको कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक को लेकर जोरों शोरों से चर्चा होने लगी है, तब से जितने भी ऐश्वर्या अभिषेक या फिर बच्चन परिवार के फैंस हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चन फैमिली में ये चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें वायरल हो रही है अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक को लेकर, तो वो सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई ऐश्वर्या और अभिषेक तलाक लेने वाले हैं या फिर इसके पीछे की वजह कोई और है। वेल, देखी होगी आप सबने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन का जो तलाक केस है वो अब कोर्ट में पहुंच चुका है और अब कोर्ट लेगा इस मामले पर बड़ा एक्शन। ये है बच्चन परिवार का बड़ा फैसला। तो सबसे पहले तो बात करते हैं केस की। ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक का काला सच सामने आ गया है और अब इस मामले पर हो सकता है केस। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें मार्केट में इस वक्त बहुत तेजी से फैल रही है, जिसे देखते हुए हमने भी फैसला ले लिया और यहां पर कोशिश की खबर की जांच पड़ताल करने की। जी हाँ, आपको बता दे कि देखकर तो यही पता चला कि अभी तक बच्चन परिवार की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, यानी कि ये बात साफ हो चुकी है कि अभी तक जितनी भी ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को लेकर खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो फेक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो हेडलाइन हमने दी है उसका सच क्या है। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि बच्चन परिवार एक ऐसी फैमिली है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रेप्यूटेटेड है और इस बीच इसी बड़ी फैमिली के खिलाफ अगर कोई कुछ लिखता है या फिर वायरल करता है तो बच्चन परिवार एक भी मिनट नहीं लगाता उस पर एक्शन लेने में। आपको याद होगा जब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की लाडली बेटी यानी कि आराध्या के निधन की खबर जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, यहाँ तक कि उनके निधन के साथ साथ उनकी गंभीर बीमारी को लेकर भी खूब सारी चर्चा सोशल मीडिया पर हुई थी। अब जब सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से आराध्या की बीमारी और उनके निधन की खबर वायरल हुई तो बच्चन परिवार को खूब गुस्सा आया और इस गुस्से में बच्चन फैमिली ने ले लिया बड़ा एक्शन। बच्चन परिवार पहुंचा सीधा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर कर दी अर्जी दाखिल और उसने कह दिया कि यूट्यूब और कितने भी सोशल मीडिया चैनल्स है जो उनकी पोती आराध्या के निधन की झूठी खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, इस बात से उन्हें काफी तंगी है
किसी अच्छे हंसते खेलते परिवार को लेकर ऐसी बुरी खबर छापना जो काफी ज्यादा गलत है और कानून के खिलाफ भी, यहाँ तक कि गलत खबरें फैलाकर उनके फैंस को डराना या फिर उन्हें परेशान करना या फिर परिवार को परेशान करना, ये वाकई बहुत बड़ी और गलत खबर है। आपको ये भी बता दे कि अब आराध्या बच्चन को लेकर जब बच्चन परिवार ने एक्शन लिया और जब आराध्या का ये केस फाइनली हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया। कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब जो भी आराध्या या आराध्या से जुड़ी या बच्चन परिवार से जुड़ी फेक न्यूज को वायरल करेगा तो उस पे कोर्ट बड़ा एक्शन लेगा, या तो उसे जेल होगी या उसे मोटा हर्जाना भरना पड़ेगा। बता दें कि ऐसे में आराध्या के खिलाफ जितनी भी फेक न्यूज थी वो तो डिलीट हुई ही, लेकिन साथ ही उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया गया। अब ऐसे में जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ साथ जितनी भी वायरल हो रही है खबर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के तलाक की, ऐसे में अगर इन खबरों पर यूं ही तेजी रही तो यहां पर बच्चन परिवार फिर से ले सकता है बड़ा एक्शन और इसी एक्शन के साथ शुरू होगा बच्चन परिवार का बड़ा फैसला, जहां बच्चन परिवार फिर से पहुंच सकता है कहीं और नहीं बल्कि सीधा पहुंचेगा इस बार फिर से कोर्ट में, और कोर्ट में जाएगा ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक का केस कि किस तरह से उनके खिलाफ झूठी खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और इसे वायरल करने के पीछे हाथ किसी और का नहीं बल्कि उन यूट्यूब वाले और उन सोशल मीडिया वालों का है जो चंद पैसों के लिए झूठी खबर फैला कर परिवार में दरार लाने की और लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारी इस रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक को लेकर जितनी भी खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है वो पूरी तरह से फर्जी खबर है। ऐसी खबरों पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें और इसी वजह से हम इन रिपोर्ट्स को लगातार तैयार कर रहे हैं ताकि आप सबको ऐसी वायरल झूठी खबरों से रूबरू करवाया जा सके। तो कैसी लगी रिपोर्ट और हमारा ये सच जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट, कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सब इतना ही, तब तक ले लीजिए इजाजत, शुक्रिया।